और इसके साथ ही यहाँ पर धनंजय ने लाजवाब किटिंग किया और जोरों की म्यूजिक होना चाहिए। पहला शॉट लगी, पहली शॉट दिया बोकाई जम का और जर्सी नंबर 10 हरों का खिलाड़ी सिसई चीन के दस शॉट लगा बात बड़े बढ़िया ला और बहुत ही सुंदर। और इस तरह से वीरभूम बंगाल की तरफ से ये पहला गोल हो चुका है। अब यहाँ से मोती पहाड़ी की तरफ से पहला शॉट के लिए खिलाड़ी आएंगे। 35 मिनट रिमार्क खिलाड़ी को लगा खड़ा कुन विजय दड़ा करा पेनिस प्रोडक्ट गीतिक कर करा जबी कर करा अगर उन्हें कर गया 35 मिनट का तय कुछ हो मैं बार हाथ रहा 70 मिनट गाती हुई बात और यहाँ पर पहला शॉट इस बार मोती पहाड़ी की तरफ से धनंजय का अच्छा से वहां पर और इस तरह से मोती पहाड़ी का पहला शॉट मिस हो गया है। जेम से शॉट लेना और इस खिलाड़ी को मैं समझता हूँ आज कोई भूले नहीं होंगे जो शॉट लगाया था दो बार एसएसबी पंजाबी एक्सप्रेस वीरभूम की तरफ से जर्सी नंबर 8 चवाला। दो शॉट जिस तरह से लगाया था हालांकि गोलकीपर उतने ही सुंदर कीपिंग रोमित यादव का मैं समझता ऐसे वैसे गोलकीपर होते तो निश्चित रूप से अभी तक वीरभूम का गोल होता लेकिन ये और बहुत ही सुंदर ये गोल एसएसबी पंजाबी एक्सप्रेस वीरभूम 2-2 गोल। और अब देखना है यहाँ से गोलकीपर धनंजय वीरभूम के गोलकीपर और सेकंड शॉट के ले जाते हुए जर्सी नंबर 9 मोती पहाड़ी की तरफ से सेकंड स्थान पर अल्फ्रेड जो कि होल्डिंग मिडफील्ड से अच्छा प्ले कर रहे थे ये खिलाड़ी पहले चला और नुकाली साइड वाले पे किदम कोई ना समा का ड्रॉ करना था गारोटी बॉल पे पलक नुमा एफसी हैदराबाद के टीम के मैनेजर कृपया करके रिपोर्ट करें शर्मुंदा कृपया करके प्लेयर को लेकर आ जाए क्योंकि छोटा रंगा के प्लेयर्स मैदान के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर शानदार से लगातार दो शॉट को रोक लिया है वीरभूम के गोलकीपर धनंजय ने
और लगातार दो शॉट को रोक लेने से मोती पहाड़ी की टीम परेशानी बढ़ गई है और 2-0 से बढ़त पर है मोती पहाड़ी के विरुद्ध बीरभूम की टीम। राजेंद्र बहुत अच्छा कीपिंग, यहाँ पर इस कीपर का जितना तारीफ की जाए उतना ही कम। धनंजय इसका नाम है और दो शॉट को यहाँ पर रोका है इन्होंने। सनिमोल अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो अपने प्लेयर्स को लेके टेक्निकल मंच के पास आ जाएंगे, आपकी अपोनेंट टीम पहुंच चुकी है और जो ऑडियंस आप लोगों ने रास्ता को जाम करके रखा है, आदर्श जी टीम लेके आइए। तो यहाँ पर गोलकीपर के लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दो शॉट को रोकना है किसी भी गोलकीपर के लिए उतना आसान नहीं होता है। अभिजीत वहां पर गए हैं स्ट्राइक लेने के लिए, खेल के दरमियान बहुत ही शानदार कीपिंग था रूपी यादव का। ये बच सकता था लेकिन यहां पर हुआ है गोल। तीन में तीन अजामी एक्सप्रेस बीरभूम वेस्ट बंगाल जबकि एफसी मोती पहाड़ी पर्वती जपी दे मुठा 2-0 उन्हें पीड़ा उठे तर रे को भूखा। अगर यहाँ से ये गोल करते हैं दोनों इधर तो यहाँ पर उम्मीद को बरकरार रखेंगे। जोसेफ इसका नाम है, चीमा चुको जैसे इसका लुक है। चुके वो इधर या उड़ा दे दिन तो बांग अते और ये तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। दो शॉट को रोका है, इतना बड़ा अचीवमेंट किसी भी गोलकीपर के लिए बहुत बड़ा होता है। टीम प्लेयर को खुश करने वाला यहाँ पर कीपिंग किया है टाई ब्रेकर में। तीसरे नंबर पर आए हैं डिफेंस लाइन के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी एफसी मोती पहाड़ी की ओर से। खाता खोलने के इरादे से और ये गोल होना बेहद जरूरी है मोती पहाड़ी के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर धनंजय ने लाजवाब कीपिंग किया और जोरों की म्यूजिक होना चाहिए। नीतों का गतिपूर्ण जल के द्वारे साधारण एजेंसी हराव का खिलाड़ी पंजाबी एक्सप्रेस बीरभूम टीम को जिताओ ना मोती पहाड़ी हराव करते।